हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकाज कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक बहुत टेस्टी डिफरेंट डिश, छोले पालक। छोले पालक एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए या आप कुछ अलग बना के खाना चाहें तो छोले पालक एक ऐसी डिश है जो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और ये डिश आप नान, पराठा, पूरी सभी के साथ खा सकते हैं। तो छोले पालक बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल छोले उबले हुए। ये मैंने एक बड़ी कटोरी छोले रात को भिगो दिए थे और उनको अभी उबाल के रखा है। छोले उबालते टाइम मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। बस उबालने के बाद ये इतना सा पानी बचा है कि हमें सब्जी बनाने में अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यही पानी यूज़ करेंगे। साथ में मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया था। एक बड़ा बोल पालक मैंने हल्की सी उबाल के पीस के रखी है, उसमें भी मैंने बहुत थोड़ा पानी का यूज़ किया है। दो मीडियम साइज प्याज ग्रेट किए हुए, दो बड़े टमाटर प्यूरी किए हुए, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टेबलस्पून तेल, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा अदरक का लच्छा कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। तो आइए बनाते हैं छोले पालक। सबसे पहले हम पैन में तेल डाल देते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का भूरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, फिर थोड़ा सा ब्राउन और करेंगे हम। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी डालने के साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा अपना फैट रिलीज ना कर दे, तेल ना छोड़ दे। टमाटर को हमने लगभग 2 मिनट तक भून लिया है। टमाटर का पानी काफ़ी सूख चुका है और थोड़ा थोड़ा तेल भी साइड में दिखने लगा है। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम मसाले को थोड़ा और भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मसाले को हमने लगभग 4 मिनट तक भून लिया है। मसाले में से तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पालक की प्यूरी। एक बात का ध्यान रखना है, पालक को हल्का सा उबाल के पीसते टाइम हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है। कोशिश करें कि बहुत एक या दो चम्मच पानी डाल के हम पालक को पीसें, क्योंकि जब हम पालक को उबाल के उसे पानी से अलग करते हैं और ग्राइंडर में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पानी उसके साथ ग्राइंडर में चला जाता है। ज़्यादा पतला प्यूरी हो जाएगी तो फिर हमें सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा पानी को सुखाने के लिए। पालक हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है, मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे छोले। छोले डालने के लिए मैं यहाँ पे इस छलनी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं छोले का पानी अभी साथ में नहीं डालना चाहती सब्ज़ी में। जितना ज़रूरत होगा उतना पानी यूज़ करेंगे और ये चने का उबला हुआ पानी यूज़ करेंगे तो हमारी सब्ज़ी में जो न्यूट्रिशन है वो बराबर बना रहेगा। मिक्स कर देंगे अच्छे से। पालक और छोले मिक्स कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पे सब्जी में लगभग 2 कड़छी पानी
ये उबला हुआ चने का पानी डाल रही हूँ। अब हम सब्जी को मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे चने में और पालक में मसालों का स्वाद आ जाएगा और हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनके तैयार होएगी। ऑलरेडी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। इसको अब हम ढक के पकने के लिए रख देते हैं। आंच को हम मध्यम कर देंगे और लगभग 4 मिनट इसको पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से और सब्जी हमारी बनके तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और सब्जी को डिश आउट करते हैं। पालक छोले बनके तैयार हैं, इनको गार्निश कर देते हैं हम। थोड़ा सा हम इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही अदरक के लच्छों से इसको गार्निश कर देंगे। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसे आप पूरी, नान, पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। आप ये सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज़ कुकबुक।